हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो फाइनली कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है। और वो सेकंड चैप्टर है बच्चों अबाउट नंबर्स नोटेशन। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यही 5-6 डिजिट्स के नंबर पढ़ेंगे, उनका कौन से फॉर्म में पढ़ा जाता है, जैसे 1000 के फॉर्म में है, 10,000 में है, लैक्स में है, उस फॉर्म में हम इनको नंबरों को जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ बच्चों जो जानने वाली है वो क्या है, इसमें देखो आप, हम किसी भी नंबर को पीछे से रीड करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला नंबर वंस के प्लेस पे होता है, फिर उसके बाद टेंस के प्लेस पर, फिर 100 के प्लेस पे, उसके बाद बच्चों 100 और 1000 के बीच का जो प्लेस होता है उसमें लगता है कॉमा, फिर है 1000 और 10,000, और 1000 और 10,000 का अपना ग्रुप होता है, उसके बाद भी लगता है कॉमा, फिर है लैक। हम इसमें 6 डिजिट की नंबर पढ़ेंगे, तो पीछे से रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक। ठीक है बच्चों, तो इस बेस पे आज का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों क्वेश्चन है, मैच द नंबर विद देयर नेम, नंबर्स को नेम से मैच करना है। फर्स्ट है 7300, 73,604, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 73,604, तो ये हमने मैच कर दिया 73,604। नेक्स्ट नंबर देखो, 9,96,400, 9,96,400, तो ये हमने इसको मैच कर दिया। फिर 40,063, 2,57,189, 2,57,189। लास्ट देखो, 8,500,701, इसको हमने यहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे उनके नेम्स थे, उनसे मैच कर दिए। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन, प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द पीरियड एंड देन राइट द नंबर नेम। मैंने आपको बताया था ना, जो ये फॉर्म होती है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लैक के बीच में, ये जो समय नंबर इनको रीड करेंगे, इनको पीछे से रीड करेंगे। और बच्चों कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, वंस, टेंस, 100 का खुद का ग्रुप होता है, तो 1000 और 100 के बीच में, मतलब तीसरी और चौथी डिजिट के बीच में कॉमा लगेगा। और फिर कॉमा कब लगेगा, पांचवी और छठी डिजिट के बीच में, मीन्स 10,000 और लैक के बीच में। तो यहाँ पे देखो हम रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, तो कॉमा कहाँ लगेगा, 4 और 5 के बीच में। और इसको रीड कैसे करेंगे, 64,518। फिर बच्चों इसको हम, ये तो मैंने यहाँ पे लिख के बताया है, आप नोटबुक में करोगे तो 64,518। फिर इसमें देखो हमने ये नंबर लिखेंगे, 0 मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, कॉमा किसके बीच में लगेगा, 100 और 1000 के बीच में, मतलब हम पहले लिखेंगे 80,290। फिर देखो बच्चों इसका 5 वंस, टेंस, 100, कॉमा किसके बीच में लगेगा, 100 और 1000 के बीच में, एक कॉमा यहाँ लगा, और फिर 10,000 और लैक के बीच में, तो एक कॉमा यहाँ लगा, तो इसका क्या हुआ, 5,01,608। फिर इसका देखो वापस पीछे से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा 1,100 के बाद में, 1,000, 10,000 और लैक, तो इसका हो जाएगा 9,28,754। और लास्ट वाला देखो, वंस, टेंस, 100, कॉमा लगेगा 7,61,829। आपको क्वेश्चन 1 और 2 अपनी नोटबुक में करना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। टेक केयर स्टूडेंट्स।